हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूं। ये एक वो प्रॉब्लम है जो मोस्टली एक फ्रेशर स्टूडेंट के साथ और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस को मैंने दोनों को कंबाइन क्यों कर दिया। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा हटके। एग्जांपल, हम लोग जब तक इंडिया में वर्क करते हैं तो उस इंडिया में उस सिटी के अकॉर्डिंग जो भी ड्राइंग होती है उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। एग्जांपल, हर डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, हर आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है एंड हर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है डिज़ाइनिंग का। वो अपने खुद के थंब रूल फॉलो करते हैं डिज़ाइन्स में। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अगर बीटेक, हमारा बैकग्राउंड बीटेक है, सिविल डिप्लोमा आईटीआई, या अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हम पास आउट होने के बाद हमको पता ही नहीं होता है, हमको सिर्फ ये मालूम होता है कि ड्राइंग क्या चीज़ होती है और ये नहीं पता होता है कि ड्राइंग पे कैसे काम करना है, उसके थंब रूल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये बात बिल्कुल फ्रेंकली होकर कह रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। आज मैं इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स मैं डे बाई डे मैं फेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों को जो उनको आ रही है, मैं इसी के बेसिस पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। हो सकता है कि इसको देखने के बाद आपको कुछ समझ में आए कि हमें करना क्या है। मे भी हो सकता है कि आपको अपना एक करियर के लिए एक नई डायरेक्शन आपको मिले, आपको एक पाथ मिले कि आपको वही उस पाथ पर चलना है, क्योंकि हम एक कन्फ्यूज्ड हैं बिल्कुल कम्प्लीट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं बट एक टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, आई हैव नथिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्राइंग्स एंड द फील्ड। अब करना क्या है हमें यहाँ पे? हम जब किसी के अंडर काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ड्राइंग को बनाना हमें नहीं आता है, तो हमको ये नहीं पता होता कि डिजाइनिंग में करना क्या है, डिज़ाइन कैसे बनाने, कॉन्सेप्ट क्या है डिज़ाइनिंग का। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जब हम कहीं किसी इंडस्ट्री में जंप करते हैं वर्किंग के लिए, या फिर हम किसी आर्किटेक्ट के अंडर अगर हम वर्क करते हैं तो मुझे नहीं पता होता है। सेम, अगर हम जब किसी दूसरी कंट्री में जंप करते हैं तो मुझे क्या लगता है कि हम जो वर्क यहाँ करते हैं वही सेम एज इट इज़ वर्क हमारा बाहर की कंट्री में भी होता है। ये मेरी एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स और बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है वो यहाँ इंडिया में कैड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं बाहर की कंट्री में जम करूँगा, वहाँ जाके मैं डिटेल ड्राइंग पे काम कर लूँगा। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। पहला काम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो भी फ्रेशर्स हैं प्लीज़ पूरा एक मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों बातों में मैं ये बात रख रहा हूँ अपनी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। पहले कन्फ्यूज क्या है कि हम ड्राइंग कैसे सीखेंगे, दूसरा हम अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं करते हैं और बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, वन मंथ में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। सबसे बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम ये है, बेस विदाउट कवरिंग द बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ड्राइंग्स। बेसिक इसलिए मेरा इंपॉर्टेंट रखता है हमारी फील्ड में, क्योंकि बेसिक्स जब तक हम कवर नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्रोफेशनल लेवल पर हम कैसे जम करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे इंडिया में काम क्या होता है, नंबर वन प्रॉब्लम, इंडिया में वर्क होता है सबमिशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग पे काम होता है। सबमिशन ड्राइंग पे काम क्या होता है कि
एक क्लाइंट का मुझे एक पूरा टोटल एरिया मिल जाता है और उस एरिए पे हमें डिज़ाइन करना होता है क्या, उस एरिए पे डिज़ाइन करना होता है हमें उसका एक पूरा लेआउट, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका एक कॉलम, देन उसके बाद डोर विंडो के शेड्यूल्स, देन उसका एक फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना होता है, देन उसका एक सेक्शन व्यू हमें डिज़ाइन करना होता है, उसका हमें रिइंफोर्समेंट की डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमें बनानी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल की, जब आप किसी के अंडर या अपनी किसी भी फर्म में किसी भी इंडस्ट्री में जंप करेंगे तो आपको क्या क्या कौन कौन सी ड्राइंग्स पे काम करना है, पहली चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, डिज़ाइनिंग के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना होता है कि हमें प्रिंट बीम का डिज़ाइन करना है, कॉलम का डिज़ाइन करना है, फाउंडेशन डिज़ाइन करना है, एंड उसका प्लान एलिवेशन और सेक्शन हमें डिटेल पूरी सबमिट करना होती है ड्राइंग में। आफ्टरऑल जितना भी हमारा एक इंटीरियर होता है एक क्लाइंट का, प्लानिंग के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर की, तो उसका एक बेडरूम भी डिज़ाइन करना है, उसका वॉशरूम भी डिज़ाइन करना है, उस बेडरूम की प्लान एलिवेशन सेक्शन वर्किंग ड्राइंग भी हमें बनानी, मतलब ओवरऑल कितना काम हो गया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये नॉर्मल था, हम लोगों ने प्लान बना दिया, देन उसके बाद हम लोगों ने डिटेल दी, कॉलम बीम दे दिया, उसके बाद फ्रंट एलिवेशन बना दिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका इंटीरियर में एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल लेआउट मेंशन कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेक्शनल ड्राइंग यहाँ पे बना देते हैं, और सेक्शनल ड्राइंग बनाने के बाद हम लोग उसका छोटा मोटा इंटीरियर भी डिज़ाइन कर देते हैं और सोचते हैं कि बस हमने जंग जीत ली, फतेह कर लिया किला। ऐसा नहीं है, हमारी यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम जब ये चीज़ सोचते हैं ना, हमारे करियर में सक्सेस वहीं पे स्टॉप हो गई। अब हम जब ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, इसको कवर करने में टाइम लगता है, बच्चा सीखता है, प्रैक्टिस करता है, उस लेवल पे आता है, अब बेसिक कवर करके हम उस लेवल पे आ गए। अब हम सोचते हैं कि चलो ठीक है भैया, हम बन गए बहुत बड़े प्रोफेशनल, अब हम जाते हैं विदेश जॉब करने। डोंट माइंड, इट्स ए फैक्ट, ये एक सच है जो हर एक स्टूडेंट के साथ है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होती है अपने करियर में। दुबई चले जाते हैं, वहाँ 3-4 महीने रुक के भटक के चले जाते हैं, वो चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं कि अगर हम अपनी उन चीज़ों को पहले से कवर कर लेते तो हमें इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। अब हुआ क्या कि हमने अपनी अपने अकॉर्डिंग तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग तो वर्किंग तो कर ली, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हर कंट्री की वर्किंग डिफरेंट होती है, हर कंट्री का कोड डिफरेंस होता है, डिफरेंट होगा उसमें, उनकी वर्किंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे उसमें, उनके स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने भी कभी ये चीज़ मैं आप इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस कि हम भी आप ही की तरह फ्रेशर थे और चले गए थे दुबई, और वहाँ जाके हमने कंपनी में इंडस्ट्री वगैरह में जंप करा था, तो मुझे पता चला था कि वाकई फैक्ट क्या है। आज मैं उस लेवल पे आने के बाद देखता हूँ तो मैं उस बच्चों को वही चीज़ बताता हूँ जो प्रॉब्लम फेस करना होती है फ्रेशर को। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ड्राइंग का। अब ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पर। तो डिफरेंस की बात करेंगे इसमें। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है ड्राइंग सीख ली, प्लान एलिवेशन सीख लिया, लेकिन देखिए एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अगर हम सोच रहे हैं किसी बाहर कंट्री में जॉब करने की, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का थंब रूल बिल्कुल अलग है। वहाँ के जो कोड होते हैं वो ANSI पे बेसिस पे होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वगैरह पे होते हैं, और वहाँ के जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है बिल्कुल डिफरेंट होती है। इंडिया में वर्क होता है ISO इंडियन स्टैंडर्ड्स पे, हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी ड्राइंग्स वगैरह भी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनती है। अब अगर हम आपने प्लानिंग करी है जंप करने की, आप दुबई जाने की सोच रहे हैं या किसी गल्फ कंट्री में आप सोच रहे हैं XYZ, मैं नाम नहीं लेता, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अगर आपका बेसिक नहीं है क्लियर, ये मैं आप लोगों से उन सभी बच्चों से ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ आप पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि AutoCAD मैं देखता क्या हूँ कि सिर्फ AutoCAD सीखने से, सॉफ्टवेयर सीखने से हम वर्किंग में नहीं आते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने उन टेक्निकल जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो करिए, वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं उनको पकड़िए, और ड्राइंग्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पकड़िए। जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसके बाद आप सोचिए कि हमें अब बाहर जाके हमें वर्क करना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ा डिफरेंस नंबर वन क्या होता है, अब मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ दुबई का जिसमें मैंने वर्क किया हुआ था। सबसे बड़ा डिफरेंट कि गल्फ कंट्री के प्रोजेक्ट में इतनी टिपिकल डिटेल होती है कि जितनी आप सोच नहीं सकते। नंबर वन पॉइंट, माइनर से माइनर डिटेल भी वहाँ फोकस करी जाती है जो कि हम लोग या हम नहीं जानते कि कैसे करते हैं।
अब आप कहोगे कि यार ये बात तुम क्यों कह रहे हो, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा हमारा वर्क। एग्जाम्पल किसी भी कोई भी, मैंने बहुत सारी टिपिकल ड्राइंग देखी है, एक्सपाइजर मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी कंपनीज में ड्राइंग देखी है, साइट की देखी है, इंडस्ट्री की देखी है, जितना भी टिपिकल हो, वॉल है, वॉल की डिटेल है, डोर विंडो है, कॉलम है। अब मैं जंप करता हूँ दुबई की ड्राइंग पे, दिस इज द वर्किंग ड्राइंग ऑफ दुबई। अब दुबई में क्या है, हर एक डिटेलिंग को, माइनर से माइनर डिटेलिंग को मेंशन करा गया है प्रॉपर तरीके से। हम लोगों को एक चीज, आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, एक सबसे बड़ा डिफरेंस पता क्या होता है, हम लोग काम करते हैं किस पे पता है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, किसी का घर बनाना है, उसका सामने का एलिवेशन, साइड एलिवेशन, बट बाहर की कंट्री में घर नहीं चलते हैं, बाहर की कंट्री में विलास चलते हैं। बाहर की कंट्री में आपको क्लासिक वर्क करना होता है, लग्जरी इंटीरियर डिजाइन करना होता है। अब यहां क्या, किसी क्लाइंट को कहोगे लग्जरी इंटीरियर डिजाइन करो, क्या वो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। विलास पे काम करना होता है। इस तरह दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम ये वर्क कैसे सीखेंगे, हम सारे पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फॉरवर्ड मत करना यार, समझ में आया तो देखो, नहीं समझ में आता स्किप कर दो, लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करना कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ताकि वो आपके कैरियर में काफ़ी यूजफुल हो। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि इंडिया में वर्किंग होती है हमारी क्या, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बाहर की कंट्रीज में विलास पे काम होता है, लग्जरी वर्क होता है, क्लासिक वर्क होता है बिल्कुल। अब कहोगे क्लासिक क्या होता है, लाइक मोल्डिंग्स, सीएनसी जालीज, क्लासिक कॉलम, ठीक है। उसके बाद डेकोरेटिव आइटम्स, आर्चेस, ओके। अब बात करते हैं क्या कि डिटेलिंग में क्या क्या हम लोग मेंशन करते हैं। अब बाहर की कंट्री में डिटेल दिखाता हूँ, देखो एक टिपिकल डिटेल, कंप्लीट ग्रीनरीज कहाँ पे है, कहाँ पे आप गार्डनिंग करेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको किचन लेवल शो कर रहा है इसमें। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि F6 क्या है, W4 क्या है, C4 क्या है, हो गई ना कन्फ्यूजन। अब विलास में क्या है, वहाँ की वॉल की डिटेल ही अलग होती है, वहाँ की कॉलम की डिटेल बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब समझो कि यहाँ पे एक डिटेल है, एक विंडो है, उस विंडो को हमने डिटेल में कैसे मेंशन करा है, मैंने उसका क्या करा, एक साइड व्यू दिया है। वहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन अगर हम ड्रॉ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, A A-B B-A B B C C D, जो भी है, लेकिन जो प्रॉपर टिपिकल डिटेल की बात करें, जो सेक्शन होता है SC, कहोगे यार ये SC क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेक्शन बी। अब ये सेक्शन बी को यहां से जो मैं लाइन देख रहा हूं, मेरा कर्सर देख रहा हूं, यहां से कट करा गया है इस तरह, और उसको लाया गया है इस तरह, सेक्शन बी, एंड दिस इज द A302 शीट नंबर भी कह सकते हैं कि जिस शीट में हमें पुट करना है A302। अगर हमें एलिवेशन ड्रॉ करके दिखाना होता है ना, तो हमें एलिवेशन का सिंबल बनाना पड़ता है, EL एलिवेशन 2 एंड द डिटेल इज A204। एलिवेशन 2 हो गया, दिस इज एलिवेशन 4, मतलब इस व्यू से हम कवर करेंगे, सामने से कवर करेंगे, दिस इज द एलिवेशन 1, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई डिटेल देनी है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी ड्राइंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, उस ड्राइंग की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देंगे। यहाँ पे देखो साइड सेक्शन आ गया, यहाँ पे साइड सेक्शन आ गया, उसकी टिपिकल डिटेल साइड सेक्शन की, उसकी पूरी ग्लास की डिटेल्स वो मेंशन कर दी। यहाँ पे लिख के आ रहा है वेंटिलेशन एंड द लाइटिंग डिटेल्स। आपको पता है कि वहाँ पर एरिया, वेंटिलेशन, लाइटिंग रेशियो टेबल भी डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल लो, वॉशरूम एरिया है, कितना स्पेस है, 5.4, विंडो नहीं है, लाइटिंग परसेंटेज जो भी होता वहां मेंशन करते हैं, बेडरूम उसकी डिटेल्स, उसका एरिया, उसकी ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन का एरिया, लाइटिंग की परसेंटेज। अब सोच लो क्या हम लोग ये मेंशन करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो इस लेवल पे हमें सीखना पड़ता है, इन चीज़ों को हमें कवर करना होता है। और तो और अगर हमने कोई डिटेल दी है, मान लो यहाँ पे लिखा है एरिया फॉर हॉल वुमेन, स्टेयर केस पे फैमिली हॉल, अब हमें इसकी टिपिकल डिटेल देनी है, तो हम यहाँ से इस तरह देंगे,
उस एरिया को बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे हम। फिर क्या हो गया उसकी टिपिकल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगी क्या है ये। देन उसका फ्लोर एरिया हमें देना पड़ेगा, उसकी टिपिकल डिटेल मेंशन करना पड़ेगी, उसका हमें क्या करना होगा सेक्शन वगैरह सारी डिटेल मेंशन करना पड़ेगी, क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। रूफ का डिटेल वो मेंशन करना पड़ेगी हमें। तो अभी ये तो हम हुआ ही, साथ साथ हमें क्या हुआ कि फ्रंट एलिवेशन की डिटेल हमें इस तरह मेंशन करना होती है क्लासिक इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर की, कि कौन से कॉलम्स हैं, कहाँ पे ग्रूविंग है, कहाँ पे स्टोन है, कहाँ पे ब्रिक्स हैं, ये टोटल देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये होता है एक। अब सोच रहे हो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, ये टैगिंग करी गई है। अगर आपको कभी ड्राइंग मिले ना तो मैं बताता रहूँगा कि रीड कैसे करना है, कि आगे कहीं भी कोई ड्राइंग मिले या वर्किंग करो तो समझ जाओ ये टैगिंग है। टैगिंग क्यों करी जाती है कि ये मैंने कहा विंडो 8 नंबर है, अगर हमें 8 नंबर की डिटेल कहीं भी मेंशन करना होगी ना तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज द डिटेल ऑफ 8 नंबर। अगर कहीं भी डिटेल होगी ना तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसमें क्या होता है ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद FFL, ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मली मेंशन करते हैं इसमें। उसके बाद क्या है फिनिशिंग, आर्टिफिशियल स्टोन है ऑफ वाइट, आर्टिफिशियल स्टोन है लाइट बिच कलर, ऑफ वाइट, सारे कलर के बारे में हमने मेंशन कर दिया ठीक है टेबल में। उसका एक एलिवेशन दे दिया साइड, उसका एलिवेशन दे दिया रेयर, ये कौन सा एलिवेशन है पता है यहाँ पे देखो लिख क्या रहा है ना A03 A13, ये वही है जो भी हमने आपको बताया था यहाँ पे जो दिया हुआ है A20 एलिवेशन 02 एलिवेशन 01 एलिवेशन 03 मेंशन कर दिया। अब बात आती है इनकी टिपिकल डिटेल, स्टेयर की कंप्लीट डिटेल, अब उसका सेक्शन भी कट करना है हमें। स्टेयर की डिटेल निकाल ली सारी, कौन कौन सी ग्राउंड फ्लोर स्टेयर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ। अब देखो स्टेयर कहाँ पे जा रही है हमें मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये देखो हमने यहाँ पे टिपिकल सेक्शन इन्होंने डिजाइन कर दिया। अब उस स्टेयर की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्या है ये, दिस इज द आयरन है, हैंड्रेल है, सीलिंग मार्बल है, राइजर, उसका मोटर कहाँ पे स्लैब है, उसकी थिकनेस है। उसके बाद हैंड्रेल की डिटेल ये भी मेंशन करी, फिर उसकी स्टेयर्स की डिटेल अलग से मेंशन करी टैगिंग के साथ, हो गई ना टिपिकल डिटेल। यहाँ तक कि अब फिर एक बार हम और आ जाते हैं डिटेल में, तो दिस इज द डेकोरेटेड बाउंड्री वॉल, अब ये बाउंड्री वॉल की डिटेल अलग से आ गई। तो अब आप ये सोचो कि इतनी टिपिकल डिटेलिंग पे काम करना, फिर हमारे लिए एक विला, उस विला का कॉन्सेप्ट, उसकी वॉल कैसे बनती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल होती हैं, वहाँ पे लाइक अलग अलग डिज़ाइन जो थिकनेस होती हैं अलग अलग लेयर को दिया जाता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट होती है, वहाँ पे दो से तीन लेयर होती हैं वहाँ पे ठीक है। बाउंड्री वॉल की डिटेल देखो अलग मेंशन करी गई है, उसका साइड व्यू अलग मेंशन करा गया है, बाउंड्री वॉल की टिपिकल डिटेल मेंशन करी गई है, उसकी गेट की डिटेल मेंशन करी गई है। मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा इसमें, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी टिपिकल डिटेल होती है। और इससे काम नहीं चलता है, इससे भी काम नहीं चला तो यहाँ पे देखो एलिवेशन की भी टिपिकल डिटेल दे दी कि एंट्रेंस में जाएंगे तो उसकी टिपिकल डिटेल में क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी, एंट्रेंस का सेक्शन भी दे दिया। उसके बाद ये इससे भी काम नहीं चला तो हमें अब डोर विंडो, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग डोर विंडो लेते हैं और डोर विंडो लेने के बाद और कुछ इस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं कि ये रहे भैया हमारे दरवाजे और खिड़कियाँ। लेकिन होता क्या है उस डोर विंडो की टिपिकल डिटेल को भी हमें डिज़ाइन करना होता है अलग से, हमें अलग से मेंशन करके देना होता है ड्राइंग में कि कहाँ कहाँ पे डोर विंडो की डिटेल आ रही है। कैसे, प्रॉपर तरीका, आउटसाइड डोर मेन एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर विला एलिवेशन D1 डोर 1 वुड ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्रेम विड्थ, उसका प्लान, उसका साइड एलिवेशन, प्लान साइड एलिवेशन डिफरेंट इस तरह डिजाइन करके दे दिया टेबल में। उसके बाद डोर की शेड्यूल दे दी, ये भी यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमारे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्लास का पोर्शन था उस ग्लास की डिटेल टिपिकल वो दे दी, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई हमारे। अब आती है उसकी डिटेलिंग उसके अंदर की कि भाई अगर ये वुड है, ये अगर सॉलिड वुड है, ये अगर 5 सेंटीमीटर सॉलिड वुड पैनल है, इसकी टिपिकल डिटेल कैसी होगी। टिपिकल डिटेल माय डियर इस तरह होगी,
अभी तो को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गई है। डोर को काटेंगे तो यार ये कैसे नज़र आएगा, हमने तो सुना था कि डोर को काटेंगे तो उसका पल्ला नज़र आएगा, उसके अंदर जो स्क्रू वगैरह है वो जाएंगे, वहाँ पे वो फिक्स होगा, वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वैसा होगा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इस डोर का सेक्शन में क्या है, मेटल हैंडल विथ लॉक एज बाय द कंसल्टेंट, एज अप्रूवल बाय द कंसल्टेंट, 5 सेंटीमीटर थिक सॉलिड वुड पैनल, वो दिखाया, उस वुड पैनल को दिखाया, सॉलिड वुड यहाँ पे मेंशन करा, उसके बाद साइड में मेटल हिंज लगेंगे, उसके बाद ये उसका आ गया क्या, स्टील एंकर, सब फ्रेम 18 mm, मरीन प्लाई, सॉलिड वुड फ्रेम, उसके बाद क्या आ गया, फ्लश डोर सेक्शन, यहाँ पे फ्लश डोर सेक्शन आ गया। और इसी तरह हम लोग देते हैं, अब जैसे कि मैं कहता हूँ विंडो डिज़ाइन करो, ठीक है विंडो लिया डिज़ाइन कर दिया, बट दिस इज द टिपिकल डिटेल ऑफ द विंडो, जिसे हम लोग कहते नहीं एक तरीके से ज्वाइनरी डिटेल, मैं भूल गया यार ये टर्म मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, गल्फ कंट्री में ज्वाइनरी डिटेल पे ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे ज्वाइनरी डिटेलिंग पे ज़्यादा काम होता है कि हर एक पार्ट को मेंशन करना अलग अलग डिटेल के साथ। लाइक जैसे कि क्या हुआ, ये विंडो है, अब इस विंडो को फिटिंग में कैसे दिखाएंगे, क्या क्या अंदर के पार्ट होंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, देखने वाला कहेगा जो फ्रेशर होगा, ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होगा उसको भी समझ में नहीं आएगा यार ये कौन सा है, ये कोई मशीन का पार्ट है क्या, बट दिस इज द एक्चुअल डिटेल ऑफ द विंडो। अब वो विंडो कोई भी हो सकती है, अब यहाँ पे क्या है देखो, विंडो में क्या दिखाया, एल्यूमिनियम फ्लाई स्क्रीन, उसके अंदर डबल सिंगल ग्लेजिंग एज पर शेड्यूल, नियॉन प्रिंट गैस किट होगी उसके अंदर, प्रोवाइडेड ड्रेनेज वीप होल आउटसाइड, ग्लेजिंग स्ट्रिप रिक्वायर्ड, इस तरह डिटेलिंग पे काम होता है। ये क्या है, ये डोर है, दिस इज द बॉक्स सेक्शन, डोर का एक बॉक्स सेक्शन कि इस तरह होगा उसका, और दिस इज द सेक्शन डिटेल ऑफ द डोर। तो यार यही तो वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें हमने पढ़ी नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब मकसद कहने का ये है कि देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रांग करो, बेसिक को स्ट्रांग करने बाद अपने जहाँ पे जो वर्किंग होती है उसको स्ट्रांग करो, थंब रूल को पकड़ो, अपनी स्पीड पे फोकस करो, ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करो, और इसके बाद फिर धीरे धीरे डिटेलिंग पे फोकस करो। बच्चा क्या करता है कि बिगनर है, जंप करना चाहता है डायरेक्ट आर्किटेक्ट की पोस्ट पे, नया नया ऑटोकैड सीखा है, करना चाहता है क्या, डायरेक्ट बनेगा क्या वो आर्किटेक्ट एक महीने में, यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ों को लेके। ये तो बात होगी इसकी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट था। दूसरा मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ये एक दूसरा प्रोजेक्ट था जिसमें आपको देखो वॉल हैं, ये एक हमारा विला का प्रोजेक्ट था जिसमें वॉल्स हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये टैगिंग करी गई है, ये टैगिंग मैंने अपनी वीडियो में शो कराई थी कि कैसे करते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने नोटिस नहीं करा होगा। उसके बाद ये वॉल हैं, अब देखो वॉल में क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वॉल, ये वॉल किस टाइप की है, ये सब मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होता है डिटेलिंग का बाहर के वाली कंट्री में, अगर आप गल्फ कंट्री में जॉब करने जाते हो। ग्रिड लेआउट है, स्टेयर है हमारी देखो नॉर्मल यहाँ पे दिखाई गई है, उसके बाद जंप करते हैं तो थोड़ा ये कलरफुल हमने यहाँ पे करा था, यहाँ पे ये अलग अलग आईडी दी थी कि 18, 17, 20, 19 डिटेल हमने मेंशन करी थी। उसके बाद यहाँ पे इससे काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग आए थे कहाँ पे, हमने उसके इंटीरियर पे फोकस करा था। अभी इंटीरियर में देखो मैंने क्या करा था, आई थिंक मैंने अभी तक काम नहीं करा था यहाँ की किसी भी ड्राइंग में, ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है अलग अलग, मैंने नेमिंग करी थी, टैगिंग करी थी, टेबल 3 टेबल सोफ़ा, ठीक है ना, सेंटर टेबल, सबके हमने कोडवर्ड टैगिंग करी थी, कोड डाले थे हमें यहाँ पे, ताकि क्यों, अब यहाँ पे T03 है, अगर मैं कहीं पे डिटेल देता हूँ साइड में T03 तो पढ़ने वाला इजी पढ़ लेगा कि दैट इज द डिटेल ऑफ द टेबल 03। उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे देखो इंटीरियर को इस तरह डिज़ाइन करा था, यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन करी थी। अभी मैं इंटीरियर पे भी आता हूँ, ठीक है ड्राइंग को समझना। ये क्या है, ये देखो एलिवेशन के सिंबल हैं, एलिवेशन 4, 3, 2, 1, ये अलग अलग मैंने मेंशन करा था। आती है बात यहाँ पे क्या, यहाँ पे बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट फॉल सीलिंग और इंटीरियर डिज़ाइन करने की। देखो मैंने यहाँ पे फॉल सीलिंग कुछ ऐसे डिज़ाइन करी थी यहाँ पे, और ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना यही मोल्डिंग का पार्ट है, इसमें मोल्डिंग भी हमें इसी तरह ही मेंशन करना होती। अभी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। जानते हो ये क्या चीज़ है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ और अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, तो इंटीरियर जो इसका डिज़ाइन करा जाता है ना, इंटीरियर उसी की बेसिस पे डिज़ाइन करा जाता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा।
कि जब तक आप अपने ऑटोकैड की फाइल में डिटेल नहीं दोगे तब तक आप सिटी व्यू में काम नहीं कर सकते। ये देखो इंटीरियर में मैंने ये जो डिटेल साइड में दी थी ना यहाँ पे, ये वही डिटेल्स है। इस तरह यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये इस तरह आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये इस तरह हमारी डिटेल जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे शैंडलियर हमारा जाएगा, ठीक है ना। देखो ना समझ में नहीं आ रहा होगा क्या साइज लें कितना लें। तो यार देखो यही सब वर्किंग ड्राइंग होती है। अब ये सब हम लोगों ने काम नहीं करा है, कोई जानता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन सब चीज़ों के बारे में जान लें। क्लासिक इंटीरियर क्या होता है, कैसे काम करना होता है, उनके बारे में आप देख लें। अब देखो ये पूरा एक मैंने डिज़ाइन करा था फॉल सीलिंग का, ठीक है। अब यही थ्री में कैसे बनेगा, अब थ्री में कुछ डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएगा। तो अब डिटेलिंग में देखो यहाँ पे क्लासिक इंटीरियर में आ रहा हूँ मैं। इंटीरियर में देखो क्या है, आर्चेस पे काम होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस देने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर्चेस के। ये देखो अगर कोई आर्च मैं इंटीरियर में दे रहा हूँ तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू, उस आर्च की टिपिकल डिटेल, देन उस आर्च का सेक्शन, उसकी कटिंग, उसकी ज्वाइनरी डिटेल भी हमें मेंशन करना होती है। देखो बहुत टिपिकल काम होता है बाहर की कंट्री में वर्किंग। देखो जब तक अगर आप प्रोफेशनल हो तब भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ की डिटेलिंग को पकड़ने में, और अगर आप बिगनर हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो क्लासिक पे कैसे काम करना है, आर्चेस कहाँ पे देने हैं, उनकी थिकनेस कितनी होती है, वहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल देखो कितनी सारी है और बनाने में कितना टाइम लगता है। ये सारी डिटेल क्या है, ये सब इंटीरियर की डिटेल है। ये सारी डिटेल देखो मैं इंटीरियर की दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ हमारे पास क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ मैसेज वगैरह भी थे, कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाहर की कंट्री की ड्राइंग में यहाँ की ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है, ताकि हमें कुछ आइडिया मिल जाए अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये देखो टिपिकल डिटेलिंग होती है। अब अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इंटीरियर का काम। अब देखो जैसे कि हम एक मेरे पास ड्राइंग थी वॉशरूम डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास आई थी। वॉशरूम देखो डिज़ाइन करने का क्या था प्रोसेस, ये देखो कहाँ पे हमारे पास डेकोरेटिव पेंट है, कर्व है, शैंडलियर है, हमने उसको डिज़ाइन करा था एक क्लासिक लुक के बेसिस पे, ये है ना। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन चलते ही नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न है वहाँ पे। यहाँ अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो ओल्ड हो गया। इसकी पूरी डिटेल मार्बल वुड, मैपल वुड, इंसर्ट मेटल बटन, ठीक है, देन उसका प्लान, देन उसकी सारी साइड्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन करी थी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के साथ। तो ये सारी वर्किंग ड्राइंग होती है बाहर की कंट्रीज़ में काम करने पे। उसकी अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो अगर हम तो आपको हम दिखा देते हैं कि क्लासिक इंटीरियर पे काम करना हम कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा अपने आप को अपने वर्किंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। हमें बाहर की कंट्रीज़ के बारे में जानना होगा कि वहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, उनकी ड्राइंग्स में क्या क्या डिटेल होती है, तब हम वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कवर कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी अगर बच्चा कोई प्लान कर रहा है बाहर जाने के लिए, या वो डिसाइड कर रहा है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए गल्फ कंट्री से, तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, कहूँगा कि आप एक काम करो, पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, और जो जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे ये देखना कि क्या क्या वर्किंग होती है और क्या क्या डिटेलिंग होती है वहाँ पे, उसी के बेसिस पे ही आप अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जाना, क्योंकि कंपनी मोस्टली फ्रेशर्स को हायर नहीं करती है। कई बार ऐसा केस हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे गए हैं वहाँ पे रुके हैं, कंपनी ने रखा है एज ए ट्रायल, उसके बाद 1 मंथ में उन्होंने वहाँ पे बाहर कर दिया कि आप पहले जाइए वर्क सीख के उसके बाद आइएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं, और लग्जरी इंटीरियर्स पे फोकस करना है कि कैसे डिज़ाइन होता है, देन उसके बाद उसके प्लान्स वगैरह पे फोकस करना है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद विला पे फोकस करना है कि विला को कैसे डिज़ाइन करा जाता है। और मतलब प्रोफेशनल तो नहीं बन सकते ऑब्वियसली, ये तो मैं फैक्ट कहूँगा, लेकिन बेसिक तो कवर कर सकते हैं ना, और जब बेसिक कवर कर लोगे तो डिज़ाइन आपको खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हमारी ड्राइंग में, जो सबसे ज़्यादा हमें फेस करना होती है अपनी प्रोजेक्ट वगैरह में। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, अब आप कहोगे कि ये मैं सीखूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी कहीं पे भी लाइक किसी इंस्टीट्यूट या एनी कुछ भी हो सकता है, या ऑनलाइन वगैरह किसी अगर आप पता करो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लासिक पे वर्क कराएगा या आपको कोई वर्किंग ड्राइंग सिखाएगा, मुझे नहीं लगता। फिर भी अगर आप देखना, अगर आपको कोई वर्किंग ड्राइंग सिखाता है, अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की डिटेलिंग पढ़ाता है, तो आप उसको ज्वाइन करना,
क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखना और वर्किंग करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ये मैं आप लोगों से कह चुका हूँ, ठीक है। तो अगर कोई आपको वर्किंग ड्राइंग पे काम करना सिखाता है, रीड करना, बेसिक कॉन्सेप्ट, आप प्रोफेशनल ना बनो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट उससे पढ़ो कि कैसे कैसे वहाँ पे काम होता है, उसको कवर करो, ठीक है, कहीं भी कोई भी, उसके बाद फिर आप अपना करियर को आगे बढ़ाना। क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है कि आप कहीं भी जाओगे तो हर कोई ऑटोकैड, ठीक ऑटोकैड तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वर्किंग ड्राइंग कोई डिटेलिंग कोई पढ़ाएगा, क्लासिक इंटीरियर, लग्जरी इंटीरियर, उसकी डिटेलिंग वगैरह कोई पढ़ाएगा, इतना टाइम किसी की बात नहीं होता, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट था बहुत इम्पॉर्टेंट उन बिगनर्स के लिए जो अपने करियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, खुद डेवलप होना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल फील्ड में जंप करना चाहते हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन फ्रेशर से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप प्लीज़ सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक इंस्टॉल करो। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ जिस कंट्री में वर्किंग हो रही, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसकी वर्किंग ड्राइंग पे पकड़ो, प्लान एलिवेशन सेक्शन पे फोकस करो, कोशिश करो डिटेलिंग पे कि कैसे डिटेल देते हैं। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप थोड़ा सा और डीप में वर्किंग सीखो। आप जैसे कि सीखो कि डिटेल ड्राइंग पे कैसे काम होता है, लाइक अगर हम बाहर जाने की सोच रहे हैं तो विला वगैरह पे काम कैसे होता है, विला डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मे बी अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुए या कोई भी वर्किंग, लाइक अगर आप चाहते हो कि हम वर्किंग करना चाहते हैं, कोई भी कोई बिगनर है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो इस लेवल की डिटेल पे वर्क करना चाहता है, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा बताने की, समझाने की इस लेवल पे वर्क को, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग को कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके इंटीरियर को डिज़ाइन करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके सेक्शन को डिज़ाइन करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये ऑब्वियसली मैं बताऊँगा। अगर कोई भी बच्चा ये अगर पढ़ना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है, कुछ मैंने पहले भी कहा था, प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, क्लासिक इंटीरियर पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर डिटेलिंग विला वगैरह पे, या फिर गल्फ कंट्री की फाइल्स पे काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आई एम हेयर फॉर यू। आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए कि सर मुझे ये वर्किंग सीखनी है, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी यहाँ पे बैठा हूँ हर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप प्लीज़ बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने डिटेलिंग पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं टेक्निकल, उन पे आप फोकस करो। पहले क्या है कि मैंने आपसे कहा था ना कि सबमिशन ड्राइंग जो होती है उस पे फोकस करो, नहीं आती है तो आप प्लीज़ सीख सकते हैं, कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि वर्किंग ड्राइंग पे काम कैसे करते हैं एक बिल्कुल एज ए बिगनर स्टार्टिंग से एंड तक। बाकी आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जाने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी ड्राइंग्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या हमें वर्किंग करनी है। और इंटीरियर में अगर हम सोच रहे हैं बाहर, तो इंटीरियर में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्लासिक और लग्जरी इंटीरियर पे कैसे काम करा जाता है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए या नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझसे स्किप हो गई हो मैं उसे ऐड ऑन कर दूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वर्किंग ड्राइंग पे काम करना है, आप करना चाहते हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको एज ए बेसिक बिगनर लेकर चलेंगे, बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें मैंने सोच रखा है कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइन करूँगा, और ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन करूँगा जिसमें मटेरियल की डिटेल, और उसके बाद मटेरियल के साथ साथ उसका एलिवेशन और सेक्शन बना के दिखाऊंगा कि उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट बेडरूम की डिटेल्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।